नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। स्वागत है आपका हमारी एक और नई ताजे जानदार और जबरदस्त वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए किसी प्रकार की डेवलपमेंट का वीडियो नहीं होने वाला है, ये वीडियो किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का वीडियो नहीं होने वाला है, ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला आप लोगों की। वो क्यों? वो इसलिए कि आजकल के समय के दौरे में हम देख पा रहे हैं कि हमारी जो भी मीडिया है, चैनल है, लगभग हर मीडिया चैनल बिक चुके हैं। बहुत ही कम ही ऐसे कुछ चैनल्स हैं जो हमें रियलिटी के न्यूज़ को दिखाना चाहते हैं। तो मैंने भी डिसीजन लिया है कि अब मैं जो है कि रियल न्यूज़ आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। जो भी रियल चीज़ें जो हमारे देश दुनिया में हो रही हैं, वो मैं आप लोगों को उसका वास्तविकता आप लोगों को मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो आज का वीडियो कुछ इसी प्रकार में होने वाला है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर जब से जो है कि 370 हटा हुआ है जम्मू कश्मीर से लेकर के, जब से धारा 370 हटा है, भारतीय जनता पार्टी BJP उसी के नाम पर जो है कि पूरे देश में भी एक तरीके से इलेक्शन कर रही है कि 370 हटाया मैंने। उसका एक बेहतरीन मुद्दा तो राम मंदिर भी है, लेकिन एक बेहतरीन मुद्दा ये भी है कि मैंने 370 हटाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से 370 हटाने के नाम पर इलेक्शन कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर से चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। यह दोस्तों बहुत ही बड़ा फैक्ट है, तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बिल्कुल, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए इसी क्रम में हम कुछ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि अमित शाह जी ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। तो जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगलवार को अपनी कश्मीरी दौरे के दौरान पार्टी की रणनीति की ओर इशारा करते हुए कहा कि भाजपा को कश्मीर में कमल खिलाने की जल्दबाजी नहीं है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर राजनीति के चाणक्य ने ऐसा क्यों कहा। दरअसल BJP की नेता PDP को मात देने के लिए सहयोगी दलों को आगे रखने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। आप एक तरीके से सोच सकते हैं कि जिस जम्मू कश्मीर से 370 हटाए जाने पर पार्टी 370 के नाम पर पूरे चुनाव का गठन कर रही है, एक तरीके से पूरे चुनाव 370 के नाम पर लड़ रही है, उसी 370 जहां से हटा हुआ है, वही 370 जहां से हटा हुआ है, उसी जगह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। क्यों? क्या कहीं तो ऐसा नहीं है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ से 370 हटा हुआ है वहाँ की परिस्थिति पहले से ज़्यादा खराब हो गई है? वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों नहीं देना चाहती है? वहाँ जिस 370 को हटाए जाने पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है, क्या उसी 370 जहाँ से हटा है वहीं से चुनाव क्यों नहीं लड़ पा रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या वहाँ की स्थिति पहले से और ख़राब हो चुकी है कि वो वहाँ से चुनाव लड़ने के लायक ही नहीं है? इसी क्रम में आसिफ कुरैशी कश्मीरी मामलों के जानकार जी का क्या कहना है, चलिए इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। भाजपा लोकसभा चुनाव में कश्मीर की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारने जा रही है, तो इसमें ऐसा समझा जा सकता है कि लंबी छलांग लगाने के लिए 2-4 कदम पीछे हटना पड़ रहा है। भाजपा की नज़र विधानसभा चुनाव पर टिकी है, वह लोकसभा चुनाव में भाग लेकर अपने विरोधियों को कश्मीर में अपनी स्थिति का आकलन करने का मौका नहीं देना चाहेगी। हम बात कर लेते हैं कि 370 की सबसे पहले इसको लगाया गया था तो अपने देश के ही हित में और काम करने के लिए 370 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लगाया गया था, लेकिन इसी 370 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हटा दिया गया है। और इसे हटाने पर स्थिति ये पैदा हो रही है कि क्या वहाँ की जनता पहले से ज़्यादा बुरी स्थिति में हो गई है, जिससे कि उस गवर्नमेंट को चुनाव नहीं जिताना चाहती है जो गवर्नमेंट 370 हटाई है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।